टीवी जगत के खूबसूरत स्टार्स आए दिन किसी न किसी बात को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं, चाहे उसमें प्यार, अफेयर, ब्रेकअप, शादी या फिर तलाक ही क्यों ना हो। ऐसे कई टीवी एक्ट्रेसेस हैं जो तलाकशुदा जीवन गुजार रहे हैं। इस कड़ी में सबसे पहले हम बात करेंगे टीवी एक्ट्रेस दलजीत कौर भनोट की। दलजीत ने साल 2009 में टीवी एक्टर शालीन भनोट से शादी की थी। इसके चार साल बाद 2013 में उन्हें एक बेटा हुआ, लेकिन शादी के पाँच साल बाद 2014 में दोनों के बीच आपसी कलह की वजह से इनका तलाक हो गया। इसके बाद से दलजीत अकेले ही जिंदगी जी रही हैं। बता दें कि दलजीत टीवी सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं से फेमस हुई थी। टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस काम्या पंजाबी के बारे में कौन नहीं जानता होगा। वो आज भी छोटे पर्दे पर राज कर रही हैं। उन्होंने कई सारे टीवी सीरियल में काम किया है। उन्होंने साल 2003 में बंटी नेगी से शादी की थी, लेकिन 10 साल बाद साल 2013 में भी उनका तलाक हो गया। फिलहाल वो टीवी सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास की में नजर आ रही हैं। फेमस सीरियल दिल मिल गए से ऑडियंस की नजरों में आने वाली एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट ने एक्टर करण सिंह ग्रोवर से साल 2012 में शादी की थी, लेकिन दो साल बाद ही दोनों में तलाक हो गया। हालांकि करण ने एक्ट्रेस बिपाशा बसु से शादी कर ली है, लेकिन जेनिफर अभी भी अकेली ही जीवन जी रही हैं। पिछली बार वो टीवी सीरियल बेपनाह में लीड रोल कर रही थी। आखिर में बात करेंगे फेमस सीरियल उतरन से रातों रात स्टार बन जाने वाली एक्ट्रेस रश्मि देसाई के बारे में। आपको बता दें कि रश्मि ने साल 2012 में अपने को स्टार नंदिश संग प्यार रचाया था, लेकिन साल 2016 में इन दोनों का तलाक हो गया। उतरन के अलावा वो टीवी सीरियल दिल से दिल तक और डांस रियलिटी शो नच बलिए में भी नजर आ चुकी हैं। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।